बृहस्पतिवार को राजधानी में बादलों की आवाजाही तो दिन भर बनी रही, लेकिन हल्की वर्षा कुछ इलाकों में ही हुई। यह बात अलग है कि उमस भरी गर्मी का चुभंत कम रही। मौसम विभाग का अनुमान है कि शुक्रवार को भी कमोवेश ऐसा ही मौसम बना रहेगा। कुछ क्षेत्रों में मध्यम स्तर की बरसात भी हो सकती है। कहने के लिए बृहस्पतिवार को दिल्ली में सूरज तो सुबह ही निकल गया था, लेकिन दिन भर बादलों और सूरज के बीच लुका छिपी चलती रही। कई बार घने बादल भी छाए। इस दौरान सफदरजंग, लोधी रोड, जाफरपुर, नजफगढ़, पीतमपुरा और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बूंदाबांदी दर्ज की गई। इसके चलते तापमान में भी अधिक वृद्धि नहीं हुई। दिल्ली का अधिकतम तापमान सामान्य स्तर पर 34.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। न्यूनतम तापमान 25.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि सामान्य से 1 डिग्री नीचे है। हवा में नमी का स्तर 93 से 69% तक रहा। मौसम विभाग का अनुमान है कि अभी बादल और वर्षा का मौसम बना रहेगा। शुक्रवार को भी ज्यादातर इलाकों में मध्यम स्तर की वर्षा होने के आसार हैं। अधिकतम तापमान 34 और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। हवा की गति 8 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहने की संभावना है। मौसम की मेहरबानी से दिल्ली की हवा लगातार साफ चल रही है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक बृहस्पतिवार को दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 92 रहा। इस स्तर की हवा को संतोषजनक श्रेणी में रखा जाता है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 2 दिनों के बीच वायु गुणवत्ता का यही स्तर बना रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली।